हेलो एवरीवन, तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल रबड़ी बनाएंगे, लेकिन रबड़ी में हम यहाँ पे ट्विस्ट दे रहे हैं, कैरेमल रबड़ी बना रहे हैं आज हम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं किंजल शाही पकवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम कैरेमल रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन ले रहे हैं। पैन के अंदर हम यहाँ पर डाल रहे फुल फैट 500 ml हम यहाँ पर दूध डाल रहे हैं। दूध को हमें धीमी आंच में गर्म करने के लिए रखना है और हमें कंटिन्यू से इसे स्टीर करना है। तो हम धीरे धीरे ऐसे स्टीर करते जाएंगे। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे 1/4 part जितना हमें यहाँ पे उसको जलाना है, सिर्फ 1/4 part ही हमें उसको जलाना है। तो आप देख सकते हो कि उसको उबलना स्टार्ट हो गया है और जो साइड से जो किनारे से वो हमें ऐसे लेते जाना है ताकि जो हमारा जो दूध है वो एकदम ठीक हो जाए। इसीलिए तो आप देख सकते हो कि जो मलाई है वो भी बनती जा रही है उसके अंदर। तो उससे क्या है कि जो हमारा रबड़ी है वो ठीक होगी। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/4 cup जितना हम यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर हमें तब डालना है जब ये 1/4 part जितना जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए, तभी हमें इसके अंदर डालना है और अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर देना है ताकि ये लम्स वगैरह ना रहे और जो किनारियों से है वो भी हमें इसके अंदर मिक्स करते जाना है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/4 cup हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। केशू, आलमंड्स, पिस्ता और मखाना हमने पाउडर बना दिया था, वही हम इसके अंदर डाल रहे हैं। आप नहीं डालना चाहते तो भी स्किप कर सकते, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हम उसको साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पैन ले रहे हैं। पैन के अंदर हम 1/3 cup जितना हम यहाँ पे शुगर ले रहे हैं। शुगर को हमें मेल्ट करना है, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डालना है, धीमी आंच पे हम उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो हमें चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे उसको मेल्ट करना है। आप चाहे तो ये रबड़ी के अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, जायफल का पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है आपकी चॉइस पर। अब ये कैरेमल हो गई है अपनी शुगर, तो इसके अंदर रबड़ी के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो बीच में जो हमारा पार्ट है वो मींस के चिपक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके ये हमारा मिक्स होता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पार्ट नहीं मिक्स हो रहा है तो आप मिक्सी में चला सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको 1 से 2 घंटे तक हम फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आपको जल्दी है तो फ्रीज़र के अंदर भी आप रख सकते हो। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नए तरीके की रबड़ी है ये। आप अगर चाहे तो चावल भी डाल सकते हो, उसे चावल की खीर बना सकते हो, आप मखाना की तरह ही आप बना सकते हो, जैसे भी आप चाहे आप उसको बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी कैरेमल रबड़ी रेडी हो चुकी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है और आप भी ये समर में ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।